हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अगर आप, तो आपको जैसे भूख लग जाती है अचानक, डायबिटीज़ वालों को भूख भी ज़्यादा लगती है, तो उनके भूख को शांत करने के लिए हमें कौन सा ऐसा नाश्ता या ऐसा कौन सा फूड जल्दी से देना चाहिए जिससे कि उनकी भूख भी शांत हो जाए और उनका डायबिटीज़ भी ना बढ़े। तो इसके लिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको सबसे पहले अपने सेहत के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अपने भूख को कंट्रोल करो, भूखे रहो या फिर अपने खान पान की इच्छाओं को मारने लग जाओ। अगर दिन के किसी भी पहर में आपको आधी रात को भी अपन को भूख लगती है तो आप ये सब चीज़ें खा सकते हो जो कि आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चिवड़ा की। जी हाँ, जब बात हेल्दी फूड की आती है तो सबसे पहले नाम आता है चिवड़ा का। जी हाँ, चिवड़ा और मुरमुरा, ये हेल्दी और ज़रा से गर्म करिए आप, तेल हल्का सा तेल गर्म करिए और उसमें थोड़ा सा मूंगफली और कड़ी पत्ता डाल के आप हल्का सा हल्दी डाल दीजिए और मुरमुरा रेडी हो गया। ये बहुत ही अच्छा स्नैक है और भूख भी मर जाएगी, आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगा। चिवड़ा, जी हाँ, आप रोस्टेड पोहा डालकर भी इस एक बना सकते हो हेल्दी फूड जो है। आप चाहे तो पोहा बना लीजिए या तो हल्का सा वैसे ही कढ़ाई में चिवड़े को हल्का सा तल लीजिए और उससे भी आप ले सकते हो, वो भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नंबर तीन, सबसे बड़ी बात तो ये होती है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मूंग बहुत ही अच्छी होती है, अंकुरित मूंग। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भीगे मूंग को स्नैक्स आइटम में आप उन्हें दे सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो नॉन वेज से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। अच्छे स्वाद के लिए आप इसमें छौंक कर या तो चाट मसाला लहसुन मिर्ची डालकर दे सकते हो, ये भी अच्छा है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और सूखे मेवे, जी हाँ, सूखे मेवे भी आप उन्हें दे सकते हो, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट जैसे सूखे मेवे और मखाना, ये सब भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। चाहे इन्हें रोस्ट करके आप हल्का सा चाट मसाला के साथ दे सकते हो, इन्हें भिगोकर भी खा सकते हो, ये भी एक हेल्दी फूड है। इससे भी डायबिटीज़ आपका कंट्रोल रहेगा और आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। अगर आपको रात में भूख लगती है और कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये ज़्यादा मीठे फल नहीं होना चाहिए, जैसे कि नारंगी, मौसमी, कीवी और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा और आपकी भूख भी मिट जाएगी। तो ये भी एक ही बहुत ही अच्छा फूड आइटम है। और पॉपकॉर्न, जी हाँ, दिन या रात के वक्त लगने वाली भूख को शांत करने के लिए आप पॉपकॉर्न का भी सेवन कर सकते हो। पॉपकॉर्न भी लाइट होते हैं और सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, इसमें शुगर लेवल बढ़ाने की भी खतरा बिल्कुल नहीं होता। हालांकि अगर आप बीपी के मरीज़ हो तो आप पॉपकॉर्न खाने से पहले एक बात का ध्यान रखो कि आप उसमें नमक मत डालो। आप घर में बना रहे हो तो आप बिना नमक के खाइए बीपी के पेशेंट के लिए, और डायबिटीज़ वाले तो खा सकते हैं, ये भी एक बहुत ही हेल्दी आइटम है। तो ये थी आज की जानकारी। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।